जिला प्रशासन द्वारा क्या कुछ तैयारी की गई है इस आगामी चुनाव को लेकर? यह जो 5 विधानसभाएं हैं, इन 5 विधानसभाओं में सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा करने के लिए विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है। आचार संहिता उल्लंघन के कुछ मामले आए हैं आपने बताया, लेकिन वो कोर्ट में मामले नहीं टिकते, वो बड़े आसानी से छूट जाते हैं। जहाँ पहले के ज़माना में यह सब मौखिक रूप से चलता था, इसीलिए कतिपय कारणों से वह उतने मजबूती के साथ पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं रखे जा पाते थे। परंतु आज के ज़माने में हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जितने भी हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, वह सबूत को इकट्ठा करने में किसी तरह की कमी नहीं रखें। आज से 2 महीना पहले से ही इलेक्ट्रल रोल को देखते हुए सबसे बड़ी सुविधा यही है कि इन सारे लोगों के लिए उस दिन वाहन की व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा की जाएगी। जो सिंगल महिला है या तमाम महिला कर्मचारियों में ये होड़ लगी रहती है अपना नाम कटवाने की, या उनको कहीं दूर ड्यूटी लग गई ऐसी जगह पर जहाँ जाने आने में सुविधा होगी, उनके लिए आपके क्या संदेश है, क्या व्यवस्था है? हम लोग का यह प्रयास है, इनफैक्ट हम लोग पूरी कोशिश में है कि किसी भी बूथों पर, खासतौर पे जो सुदूर और दूरदराज के क्षेत्र हैं, वहाँ पे किन्हीं भी महिला पोलिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी नहीं लगाई जाए। नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 25 मई को मतदान होना है, जिला प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की है, इसके लिए हम आज स्टूडियो में बातचीत करने के लिए बुलाए हैं रांची की उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा जी को। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिला प्रशासन द्वारा क्या कुछ तैयारी की गई है इस आगामी चुनाव को लेकर। रांची लोकसभा के अंतर्गत कुल मिलाकर 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और ये सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में जिस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की घोषणा हुई है, तब से ही चुनाव से संबंधित सारी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और चूंकि प्रमुख रूप से रांची जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा में से 5 विधानसभा आते हैं, जो कि क्रमशः रांची विधानसभा, कांके विधानसभा, हटिया विधानसभा, सिल्ली विधानसभा, खिजरी विधानसभा आते हैं, तो प्रमुख रूप से इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की तैयारियों का दारोमदार रांची जिले के ही ऊपर आता है। 6 विधानसभा जो ईचागढ़ विधानसभा है, सरायकेला खरसावां जिले का आता है, जहाँ की तैयारियाँ उस जिले के द्वारा देखी जाती हैं। यह जो 5 विधानसभाएं हैं, इन 5 विधानसभाओं में सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा करने के लिए विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है। जैसे कि सामग्री कोषांग, सभी चुनाव के पोलिंग पार्टीज़ को उनके बूथ पर जाने के पहले काफ़ी सारी सामग्रियां दी जाती हैं, जिसमें कि स्टैचुरी मटेरियल्स होते हैं, नॉन स्टैचुरी मटेरियल्स होते हैं, कार्डबोर्ड्स होते हैं, वोटिंग कंपार्टमेंट्स होते हैं, वह सभी को उपलब्ध कराया जाता है। तो ज़िले में जितने भी बूथों पर पोलिंग पार्टीज़ को जाना है, सभी बूथ वाइज हमारा जो मटेरियल कोषांग होता है, वह मटेरियल की तैयारी करता है, उनके विधिवत पैकिंग करता है। और पैकिंग बड़ी सेंसिटिव चीज़ होती है, उसमें बिल्कुल ख़ास तौर पे विभिन्न किस्म के ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, विभिन्न किस्म के टैग्स लगाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल बूथ स्पेसिफिक होते हैं, और सभी की एक एक करके एंट्री भी कराई जाती है। और इस एंट्री को, इस सारे नंबर्स को हम लोग शेयर करते हैं सारे कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट्स के साथ, जो कि मिलान भी कर लेते हैं कि हाँ, संबंधित बूथ से ही कनेक्टेड सामग्रियां कंसर्न पोलिंग पार्टीज़ के पास गई हैं। इसमें किसी भी तरीके की भिन्नताएं आती हैं तो लास्ट मोमेंट पे इनका करेक्शंस भी संभावित रहता है। इसके साथ ही सभी पोलिंग पार्टीज़ को ईवीएम मशीन्स दी जाती हैं, तो बूथ वाइज ईवीएम मशीन्स की भी तैयारियां की जाती हैं। ज़िले में अगर मान लिया गया कि 1000 बूथ हैं, तो हमारे पास जो 1000 ईवीएम मशीन्स होते हैं, उन सभी को रैंडम तरीके से विभिन्न बूथों पर पहुँचाया जाता है। 2 किस्म के रैंडमाइजेशन होते हैं। पहले रैंडमाइजेशन में विभिन्न ईवीएम मशीन्स के लिए विधानसभा अलोकेट किए जाते हैं, और उसके बाद सेकंड रैंडमाइजेशन के पीरियड में एक पर्टिकुलर विधानसभा में आने वाले किसी भी बूथ में एक पर्टिकुलर ईवीएम मशीन्स को भेजा जाता है। और ये सारी की सारी जो कार्रवाइयाँ होती हैं, ये जो ऑनरेबल जनरल ऑब्जर्वर होते हैं, उनकी उपस्थिति में की जाती है, सारे कैंडिडेट्स या उनके इलेक्शन एजेंट की उपस्थिति में कराई जाती है। और ईवीएम कोषांग का फिर यह दायित्व होता है कि जितने भी बूथ स्पेसिफिक ईवीएम मशीन्स हैं, उनकी तैयारी करें, उनको कमीशन करें। कमीशन करने का अर्थ यह होता है कि हर एक ईवीएम मशीन में एक बैलेट पेपर लगाया जाता है, जिसमें कि कंसर्न्ड कैंडिडेट्स का नाम, उनका फ़ोटो, उनके कंसर्न्ड पार्टी के सिम्बल इत्यादि रहते हैं। तो ये ईवीएम कमीशनिंग का काम भी रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज से शुरू हुआ है, और सभी कैंडिडेट्स अपनी उपस्थिति इसमें रखते हैं। ईच एंड एवरी मशीन को कमीशन होते हुए देख सकते हैं, वो संतुष्ट हो सकते हैं कि इसमें जितनी भी तैयारियां हो रही हैं वो उचित तरीके से हो रही हैं।
ईवीएम मशीन का एक और पार्ट होता है वीवीपीएटी मशीन, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसमें कि कैंडिडेट्स के सिंबल को लोड किया जाता है। जैसे ही कोई वोटर ईवीएम मशीन अर्थात बैलेट यूनिट में से किसी एक पर्टिकुलर बटन को दबाते हैं तो उससे संबंधित जो पर्ची होती है वह वीवीपीएटी मशीन में 7 सेकंड के लिए रिफ्लेक्ट होती है और उसके बाद फिर उसी मशीन में वह फिर गिर भी जाती है, जिसको कि बाद में कलेक्ट किया जाता है। तो ये पूरे ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन की जो तैयारी होती है यह कैंडिडेट्स की उपस्थिति में होती है, और इसमें बेल और ECIL के इंजीनियर्स आते हैं जो कि इसको पूरी तरीके से अपने प्रेजेंस में कंप्लीट करते हैं। ईवीएम मशीन और मटेरियल, यह दो प्रमुख आइटम्स होते हैं जो हम पोलिंग पार्टीज़ को डे ऑफ डिस्पैच वाले दिन उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होती है वाहनों की व्यवस्था। जैसा कि आप अवगत हैं कि जितने भी बूथ हैं वो काफ़ी दूरी पर रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जंगल क्षेत्र हो, काफ़ी इंटीरियर हो, काफ़ी सुदूर क्षेत्र हो, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, जहाँ आने जाने की सुविधाओं में थोड़ी सी कमी भी रहती है। तो बहुत ही बारीकी से सेक्टर ऑफिसर्स चुनाव के काफ़ी दिन पहले से ही ईच एंड एवरी बूथ का निरीक्षण करके रखते हैं। उस बूथ में जाने की क्या व्यवस्था बेस्ट होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी जानी चाहिए, छोटी गाड़ी जानी चाहिए, उस बूथ पर सभी श्योर मिनिमम फैसिलिटीज़ के इंतजाम हैं कि नहीं है, इन सभी का बारीकी से अध्ययन कर कर डिटेल्ड रूट चार्ट बनाया जाता है। उसी रूट चार्ट के अनुसार वाहन कोषांग हर एक बूथ के लिए इंडिपेंडेंटली गाड़ियों की टैगिंग करते हैं। मसलन अगर चार बूथ एक लाइन में आ रहे हैं तो उनसे संबंधित जो चारों पोलिंग पार्टीज़ हैं उनके लिए बड़ी बस होनी चाहिए, छोटी बस होनी चाहिए, बहुत ही बारीकी से बहुत ही सेंसिटिव तरीके से बसों की प्लानिंग होती है। उसमें उस प्रकार से ईंधन भरे जाते हैं ताकि वह पोलिंग पार्टीज़ को सुरक्षित मतदान केंद्र तक पहुँचाए और चुनाव खत्म होने के बाद जो काउंटिंग सेंटर का स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ तक लेकर आए। तो ये वाहन कोषांग भी करेंटली एक्टिव है और सभी पोलिंग पार्टीज़ के लिए यह कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त ज़िले में और भी बहुत सारे कोषांग होते हैं जो कि पैरेलली वर्क करते हैं, जिसमें प्रमुख होता है MCC कोषांग। MCC कोषांग का यह दायित्व होता है कि चुनाव प्रचार प्रसार के समय अगर किन्हीं भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या किन्हीं भी कैंडिडेट के द्वारा अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के किसी भी पॉइंट का अगर वायलेशन किया जा रहा है तो इलेक्शन लॉज के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जैसे ज़िले में अभी तक तकरीबन 20 MCC वायलेशन के केसेज रिपोर्ट हुए हैं, तो सभी पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रत्याशी होते हैं वह सभी अपना कैंपेन पीरियड में अपने कैंडिडेचर का प्रचार प्रसार करते हैं, वह आम सभा करते हैं, जनसभा करते हैं, रोड शो करते हैं, रैली करते हैं, तो इनके लिए उनको परमिशंस चाहिए होते हैं। तो परमिशंस को भी बहुत सुविधाजनक और बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हम लोग एप्लीकेशंस प्राप्त करते हैं और प्रयास रहता है कि 24 घंटे के अंदर ही उनको सारी अनुमतियां उपलब्ध करा दी जाएँ। तो एक फैसिलिटेशन सेंटर कंटिन्यूसली डिस्ट्रिक्ट में वर्क करता रहता है और सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल ये डिजिटली ओपन है कि वो कहीं से भी बैठकर अप्लाई करें और उनको जो सारे परमिशंस होते हैं वह भी उनको ऑनलाइन ही अवेलेबल करा दिए जाते हैं। इसमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि वह कार्यालय में जाकर इंडिविजुअल ऑफिसर से मिलकर एप्लीकेशन अप्लाई करें। वैसे अगर वो आते हैं तो वहाँ पे भी उनको प्रॉपर पूरी तरीके से फैसिलिटेट कराया जाता है। इसके अतिरिक्त एक और बहुत महत्वपूर्ण कोषांग है इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल। इस सेल का दायित्व है कि सभी कैंडिडेट्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, इसलिए ज़रूरी होता है कि जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक सीमा निर्धारित की गई है किसी भी कैंडिडेट के एक्सपेंसेस के लिए, उस एक्सपेंसेस को तरीके से मॉनिटर करें। तो फिर अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा रैली, रोड शो या कोई भी सभाएँ की जा रही हैं तो कंसर्न फ्लाइंग स्क्वाड टीम, वीडियो सर्विलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम के द्वारा उस पूरे कैंपेन की कंटिन्यूस वीडियोग्राफी कराई जाती है। देखा जाता है कि जो कुछ भी उसमें आइटम्स लगे हैं, चाहे वह कुर्सियां हों, टेबल हों, माइक्स हों, झंडे हों, पोस्टर्स हों, बैनर्स हों, सभी की संख्या कितनी है और जो जिला द्वारा निर्धारित किया गया रेट है उसके अनुसार एक एक कार्यक्रम का एक प्रॉपर ब्यौरा तय किया जाता है और सभी कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने एक्सपेंडिचर रजिस्टर में इन सभी खर्चों का उल्लेख करें। उससे संबंधित और भी बहुत सारे नियम कायदे हैं जो कि सभी कैंडिडेट्स को इंडिविजुअली इलेक्शंस शुरू होने के काफ़ी समय पहले उनको समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है और सभी संबंधित सामग्रियां भी उपलब्ध कराई जाती है। और ये पूरी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम अपने साथ एक शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर रखती हैं, जिसमें कि उनके द्वारा किए गए खर्चों का शैडो फोल्डर ऑफ एविडेंस इत्यादि रहता है।
इन सभी रजिस्टर्स की जांच 3 बार होती है और एक जांच परसों के दिन हो चुकी है। इसके बाद 2 जांच और होगी और इसमें मैच कराया जाता है कि कैंडिडेट के अपने खर्च का क्या स्थिति है और जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम है उसके द्वारा उसके खर्च का जो शेड्यूल तैयार किया गया है उसकी क्या स्थिति है। इसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट कोषांग, हम सभी अवगत हैं कि चुनाव कार्य में जितने लोग लगे हुए होते हैं, चाहे वह पोलिंग पर्सनल्स हों, जिले के अन्य अधिकारीगण हों, पुलिस पर्सनल्स हों, या फिर ऐसे वोटर्स जो कि उस दिन इमरजेंसी ड्यूटी में लगे रहें, रेलवेज़ के स्टाफ, पोस्टल डिपार्टमेंट के स्टाफ, एयरपोर्ट के स्टाफ, इन सभी लोग भी मतदान से वंचित नहीं रह जाएं। अतः इनसे पहले ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग कराई जाती है। इसमें जो 85 साल से ऊपर के वृद्ध मतदाता हैं या फिर 40% से अधिक दिव्यांगजन हैं, उनके नाम भी इसमें सम्मिलित रहते हैं और उनसे भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से चुनाव पूर्व ही वोटिंग कराई जाती है और यह सुविधा होम वोटिंग तक भी जाती है। अर्थात पोलिंग पर्सनल्स उनके घरों तक जाते हैं, उनके घर पे जाके उनसे फिजिकली पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कराते हैं। इस एसेंशियल सर्विसेज में सभी प्रेस एवं मीडिया के भी बंधुगण शामिल होते हैं, उनके पास भी ऑप्शन रहता है कि वह भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मतदान के अधिकार को पूरा करें। सर, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ डिजिटल संपादक गीतेश्वर सर भी हैं। एक आम मतदाताओं के बारे में के सवाल जो होते हैं वो भी कुछ कुछ हम लोगों से आपसे पूछेंगे, जानकारी लेंगे। तो सर, अगर कुछ सवाल आपके एक आम मतदाता के रूप में अगर कुछ हो तो। एक्चुअली डीसी साहब ने इतना डिटेल बताया, इन्होंने चुप कराने वाला काम किया है कि अब आप कुछ पूछेंगे ही नहीं, सारी चीज़ें बता दी इन्होंने, इंटरनल ऑडिट से लेकर कैसे पैसे का मैनेजमेंट, गाड़ियों का मैनेजमेंट होता है। एक चीज़ केवल मैं जानना चाह रहा था कि जैसे आचार संहिता उल्लंघन के कुछ मामले आए हैं, आपने बताया हर साल कुछ न कुछ मामले आते हैं, कुछ नोइंगली अननोइंगली गलती हो ही जाती है लोगों से, लेकिन वो कोर्ट में मामले नहीं टिकते, वो बड़ी आसानी से छूट जाते हैं, प्रशासन कुछ जब्ती भी करता है तो वो वापस करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या कुछ और कड़ा नियम होना चाहिए या कहीं ना कहीं ये चूक हो जाती है हम लोगों को व्यवस्था करने में, प्रशासन को व्यवस्था करने में? देखिए, बिल्कुल आपका कहना जायज़ है। इलेक्शंस के जो रूल्स होते हैं उनके अंतर्गत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ तथा सभी कैंडिडेट्स के ऊपर उसको होना लाजमी है, वो पालन सभी को करना चाहिए। और उसके अंतर्गत आईपीसी सीआरपीसी के कंसर्न काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं, खासतौर पर सेक्शन 171A से H को लेके, पब्लिक बिल्डिंग डिफेसमेंट एक्ट्स और बहुत सारे ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के तथा स्टेट गवर्नमेंट के स्पेसिफिक एक्ट्स हैं जिनके अंतर्गत यह कार्रवाइयाँ होती हैं और सभी कार्रवाइयों के अपने डिटेल प्रोसीजर्स होते हैं। तो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो केस मजबूत कराने के लिए एविडेंसेस का रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जहाँ पहले के ज़माना में यह सब मौखिक रूप से चलता था, इसीलिए कतिपय कारणों से वह उतने मजबूती के साथ पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं रखे जा पाते थे। परंतु आज के ज़माने में हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जितने भी हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वह सबूत को इकट्ठा करने में किसी तरह की कमी नहीं रखें। जैसे कि कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है, अगर नज़र आता है कि वह गलत है तो अनिवार्य रूप से उसका वीडियोग्राफी हो, वहाँ पर अगर उपस्थित कोई विटनेस हो तो उनका उस समय बयान ले लिया जाए, वहाँ पर अगर किसी तरीके का पंचनामा करने की आवश्यकता हो तो वह कर लिया जाए, अखबारों में अगर उससे संबंधित खबर निकल रहे हैं तो उसको बिल्कुल अलग कटिंग करा के रख लिया जाए ताकि फोल्डर ऑफ एविडेंस मजबूती के साथ मेंटेन हो। तो अगर फोल्डर ऑफ एविडेंस मजबूती के साथ मेंटेन होता है, कंसर्न इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसी पीरियड में एक अच्छी खासी इंक्वायरी करा कर फिर चार्जशीट फ्रेम करते हैं, तो मुझे लगता है कि बेशक बहुत ही मजबूती के साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने केस को माननीय न्यायालय के सामने उपस्थापित करा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में कन्विक्शंस भी हो सकते हैं या उस पर बेहतर डिस्पोजल हो सकते हैं। सर, एक सवाल और लेना चाहेंगे कि रांची के में कितने मतदाता हैं और कितने की बढ़ोतरी हुई है इस बार पिछले चुनाव के? देखिए, मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी होना वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। सामान्य रूप से यह समझिए कि अभी जो इलेक्शन का पीरियड है इसको कहा जाता है पोल पीरियड। इस पोल पीरियड में नाम नहीं ऐड होते हैं, नए नाम इनरोल नहीं होते हैं, और इस पोल पीरियड के पहले वाला जो पीरियड होता है उसको कहता है रोल पीरियड, जिसमें इलेक्ट्रल रोल को अपडेट कंटिन्यूसली किया जाता है। तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हर दिन आप अपने एप्लीकेशंस को दे सकते हैं, अपना नाम आप जुड़वाना है या फिर अपने नाम को डिलीट करवाना है या अपने नाम में सुधार करवाना है। तो सामान्य वर्षों में कंटिन्यूस रिवीजन सालों भर चलता है,
और एक स्पेसिफिक टाइम होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में, जब एक स्पेशल समरी रिवीजन का कार्रवाई किया जाता है, जिसमें कि बहुत फोकस तरीके से बीएलओ और चुनाव से जुड़ी जितनी मशीनरी है वह लोगों के नाम ऐड सब्ट्रैक्ट करने में वर्क करती हैं। तो अभी 22 जनवरी को स्पेशल समरी रिवीजन का एक फाइनल इलेक्ट्रल रोल पब्लिश हुआ था और उसके आंकड़ों को हम लोगों ने शेयर किया था, और उसके बाद से लेकर लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक लगातार लोगों के नाम ऐड हो रहे हैं जी। अभी जो आंकड़ा हमारे पास है उसके अनुसार पूरे रांची पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में कुल मिलाकर 21,97,331 वोटर्स हैं, जिसमें कि 11,12,524 पुरुष मतदाता हैं, 10,84,738 महिला मतदाता हैं और तृतीय लिंग के भी 69 मतदाता हैं। इसमें ईचागढ़ जो कि सरायकेला जिले का विधानसभा क्षेत्र है उसके भी 1,44,915 पुरुष मतदाता, 1,42,208 महिला मतदाता तथा 2 तृतीय लिंग के मतदाता, कुल मिला के 287,125 मतदाता शामिल हैं। सर, एक सबसे बड़ी चुनौती होती है शहरी क्षेत्रों में मतदान केंद्र पर लोगों का पहुंचना, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कुछ व्यवस्था की है कि हमारी शहरी जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़े? जी बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जिसमें कि खास तौर से पिछले 2 से 3 महीनों में पूरे जिले की इलेक्शन मशीनरी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड तरीके से काम करी। इस आशय से बेशक हम लोग अब कहते हैं कि देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज अ अर्बन अपैथी विच इज़ प्रेजेंट इन अर्बन एरियाज स्पेशली, एंड कंसिडरिंग रांची एज ए कैपिटल ऑफ द रीजन दिस अर्बन अपैथी इज़ टू इट्स एक्सट्रीम लेवल। तो हम लोगों ने पिछले 2-3 महीने में बहुत प्रयास किया है और मेरी समझ से वो सारे प्रयास रंग लाएंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह होता है कि सभी नागरिकों को, सभी मतदाताओं को यह जानकारी हो कि किस तारीख को चुनाव होना है, उसके बाद कि उनका नाम किस बूथ में है, उसके बाद वह बूथ कहां पर है और उस बूथ का जो इलेक्ट्रल रोल है उसमें किस क्रम में उनका नाम है। ये सुनने में बहुत सामान्य लगता होगा, परंतु इलेक्शन डे वाले दिन जब कोई मतदाता बूथ पर पहुँचता है तो वो उसको मतदाता सूची में अपना क्रम संख्या देखना होता है। किसी भी मतदाता सूची में तकरीबन 1,000, 1,200 से 1,300 लोगों के नाम रहते हैं। अब कोई भी मतदाता अगर बूथ पर पहुंचता है तो पोलिंग ऑफिसर सबसे पहले खोजते हैं कि उसका नाम कहां पर है, उसमें काफ़ी समय लगता है, और अगर वहां पर उसका नाम नहीं हुआ तो ये उसके लिए बड़ा हतोत्साहन हो जाता है और पूरे पोलिंग पार्टीज़ का भी एक समय इसमें जाया हो जा सकता है और डिले होने का एक प्रमुख कारण होता है। तो बहुत आवश्यक है कि हर व्यक्ति को यह पता चले। ग्रामीण क्षेत्र में तो फिर भी लोग थोड़े अपने बीएलओस के साथ रोज़ाना टच में रहते हैं तो इस डिटेल को पता लगा लेते हैं। शहरी क्षेत्र में लोग यही नहीं पता लगा पाते कि उनका बूथ कौन सा है, बूथ के इलेक्ट्रल लिस्ट में किस सीरियल नंबर पर उनका नाम है, यहाँ तक इतने डेंसली एरिया में उनका बूथ कहाँ पर है ये भी नहीं पता चल पाता, और कई बार किस तारीख को चुनाव ये नहीं। तो इसके लिए जागरूक करने के लिए बहुत सारे आयाम स्थापित किए गए। अभी आप जैसा देख सकते हैं कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, इसे हम लोग स्वीप का सबसे प्रमुख हथियार मान रहे हैं। जब हमारे इलेक्शन कमीशन के एम्बेसडर के रूप में बीएलओ घर घर जाकर यथासंभव एक एक परिवार के एक एक सदस्य को अपने से वोटर स्लिप हैंडओवर कर रहे हैं और एक रजिस्टर में उनका सिग्नेचर ले रहे हैं, और वहीं पर उनसे विनम्र आग्रह भी हो रहा है कि इस पर्टिकुलर तारीख को कृपया जी आप लोगों ने बिल्कुल व्यवस्था की है, वो सेल्फी भी ले रहे हैं उनके साथ में देख रहा जी। और इसके अतिरिक्त पिछले 2 महीनों में जिले की जो स्वीप एक्टिविटी है, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन, जिसके लिए पूरा सेल फुल टाइम वर्क कर रहा है, उसको यह दायित्व दिया गया कि पूरे जिले के जितने भी पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं उन सभी में एक एक वोटर अवेयरनेस फोरम का स्थापना कीजिए। वोटर अवेयरनेस फोरम का यह काम रहेगा कि उस कार्यालय में जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं जो 18 प्लस के ऊपर हैं और यहाँ सामान्य रूप से रहते हैं, उन सभी का नाम पहले तो इलेक्ट्रल लिस्ट में लाएं। इसके साथ जितने भी यहाँ पे गेटेड सोसाइटीज़ हैं, फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उन सभी फ्लैट एंड अपार्टमेंट्स के चेयरपर्सन हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, उन सभी के साथ हम लोगों ने बैठकें करी हैं और सभी के यहाँ जो बूथ एनरोलमेंट के लिए कैंप्स लगाए जाने होते थे वहाँ पे लगाए गए, तो मैक्सिमम एनरोलमेंट बढ़ाने की कोशिश की गई। तो बूथ जो वोटर अवेयरनेस फोरम है और जो गेटेड सोसाइटीज़, जितने भी रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, इन सभी को कॉन्फिडेंस में लिया गया। जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं उन सभी जगहों पर इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब, वहाँ पर कैंपस एम्बेसडर्स बना के स्कूली बच्चों को भी भविष्य के लिए फ्यूचर वोटर एम्बेसडर के रूप में हम लोग चिन्हित किए कि खुद तो आप नहीं वोट देंगे लेकिन भविष्य में आप जागरूक रहें, आप 18 साल जैसे ही पूरा होता है इस प्रोसेस में अपने आप को इनरेल करा लें, और अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार जो कि 18 साल के ऊपर हैं, प्लीज़ परसुएट दें कि इलेक्शन डे वाले दिन आप बूथों पर आएँ और अपने मतदान का प्रयोग करें।
जितनी भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर 18 प्लस के बच्चे होते हैं, 18, 19, 20, 21, 22 साल के, जो बहुत ही यंग वोटर्स हैं, और सामान्य रूप से वह उनकी एक अलग दुनिया होती है, वो अपने आप को बहुत अट्रैक्ट नहीं करा पाते हैं इलेक्शन प्रोसेस से। तो सभी कॉलेजेस में इन इसके लिए कार्यक्रम हुए, नुक्कड़ नाटक हुए, गीत संगीत का प्रतियोगिता हुआ, रंगोली कॉम्पिटिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, करके एक बल्स क्रिएट कराने की कोशिश की गई कि यंग वोटर्स भी कृपया इलेक्शंस के प्रति अट्रैक्ट हों और मतदान करने वाले दिन अपने अपने बूथों पर पहुँचें। फिर हर एक बूथ में एक बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाया गया है, जिसमें कि उस जगह के जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका एक ग्रुप रहता है जो कि विभिन्न मोहल्लों में जा जाकर इलेक्शन के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी सिविल सोसाइटीज़ हैं, जितने भी प्रेस एवं मीडिया के एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, सभी से रिक्वेस्ट कर रखा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पे भी उनका इन्फ्लुएंस होता है उस जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस दिन मतदान के लिए प्रेरित करें। मतदान वाले दिन पब्लिक हॉलीडे घोषित रहेगा, पेड हॉलीडे वो घोषित रहेगा, तो जितने भी संस्थाएँ हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कॉरपोरेट ऑफिस, सभी बंद रहें और सभी अपने अपने लोगों को उस दिन मतदान करने के लिए छुट्टी दें यथा प्रेरित भी कराएं। तो एक पूरा एक बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट कराकर, माइक्रो प्लानिंग कराकर हम लोग का उद्देश्य यही रहा है कि इस बार मैक्सिमम लोगों को हम लोग इलेक्शन डे वाले दिन अट्रैक्ट कर सकें और पिछले बार के तुलना में एक बहुत ही सम्मानजनक आंकड़ा हम लोग इस बार अचीव कर सकें। ऑलरेडी तमाड़ और मांडर विधानसभा में पिछले बार की तुलना में 3.5% जी बिल्कुल एडिशनल इंक्रीज वोटिंग हुई है, तो वी आर होपफुल दैट द सेम एक्सपीरियंस इज रिपीटेड इन विभिन्न असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ रांची पीसी एज़ वेल। सर, हम लोग के साथ एक ये भी व्यवस्था होती है कि सीनियर सिटीजन्स हैं, जो दिव्यांग मतदाता हैं, उनको हम कैसे अपने मतदान केंद्र पर पहुंचाएं? तो लगभग मुझे जो आंकड़ा पता है कि 29,571 लगभग सीनियर सिटीजन्स हैं जो रांची में हैं, तो उनको हम कैसे लाएं, और जो दिव्यांग हैं जो 25,609 हैं लगभग, उनको कैसे हम अपने रांची के मतदान केंद्रों तक पहुँचा पाए, इसके लिए क्या क्या व्यवस्था? बिल्कुल, ये सोचित प्रश्न है आपका। माननीय भारत निर्वाचन आयोग का एक बहुत ही मेजर ऑब्जेक्टिव है, कोई भी वोटर छूटे नहीं, नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो उसमें हम लोग जितना ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे सकते हैं अपने वोटर्स को उतना हम लोग प्रयास करते हैं। तो आज से 2 महीना पहले से ही इलेक्ट्रल रोल को देखते हुए, इलेक्ट्रल रोल में जितने भी लोगों का नाम, जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि 85 एज के ऊपर हैं या 40% से अधिक दिव्यांग हैं, उनकी एक सूची सभी बीएलओ के लेवल पे तैयार की गई। सभी बीएलओस को एक रजिस्टर दिया गया, उस रजिस्टर में उनको यह डायरेक्शन था कि अपने बूथ के ऐसे सभी 85 प्लस या 40 प्लस डिसेबिलिटी वाले लोगों के घर पे व्यक्तिगत रूप से जाकर मिलें और उन्हें अवगत कराएं कि भारत निर्वाचन आयोग ने आपके लिए बूथों पर क्या सुविधा रखी है। सबसे बड़ी सुविधा यही है कि इन सारे लोगों के लिए उस दिन वाहन की व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा की जाएगी। हर एक बूथ पर एक छोटी गाड़ी रहेगी और उस बूथ से जुड़े अगर 15-20 दिव्यांग या फिर सीनियर सिटीजन्स हैं तो उस दिन उस बीएलओ का दायित्व रहेगा कि वो सारे 15-20 लोगों को उनके घर से जाकर बूथ पर लेकर आएँ। बूथ पर उनके लिए एक अलग लाइन रहेगी और उस लाइन में जितने भी लोग रहेंगे उनको प्रेफरेंशियल तरीके से वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। हर एक बूथ पर एक व्हीलचेयर भी रहेगा ताकि अगर कोई भी किन्हीं को भी अगर चलने में दिक्कत हो रही है तो उसका उपयोग कर, हर एक बूथ पर रैंप रहेगा और 4 वॉलंटियर्स भी रहेंगे जो कि खास तौर पर इनकी सहायता के लिए और जनरल क्यू मैनेजमेंट के लिए रहेंगे। तो सभी लोगों को बीएलओ के द्वारा ये सुविधा के बारे में अवगत कराया जाता है कि उस दिन आपको ये रहेगी। इसके बाद भी अगर जो बिल्कुल ही असक्षम हैं, जो कि उस दिन किसी भी स्थिति में अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो उनके लिए होम वोटिंग का प्रावधान है। तो उससे पहले ही उन सभी से होम वोटिंग के लिए पोस्टल बैलेट पेपर अंतर्गत फॉर्म 12D भरवाया गया है और उसके अनुसार पोस्टल बैलेट रेडी भी कर रखा गया है और P-6 डे वाले दिन तक पोस्टल बैलेट के माध्यम से, होम वोटिंग के माध्यम से पोलिंग पार्टीज उनके घर घर जाकर उनसे मतदान प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपके सवाल कुछ अगर हैं तो सर पूछ सकते हैं। नहीं, सर ने तो बहुत डिटेल बताया लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं। घर घर से वोट कराने की व्यवस्था है अगर वो 40% से अधिक विकलांग हैं या 80 से अधिक उम्र के हैं। एक चीज़ जैसे पहले फेस के चुनाव में देखने को मिला था कि मौसम के कारण थोड़ा सा लोगों में संकोच रहा शुरुआती दौर में, तो अगर मौसम बहुत ख़राब होता है जैसा कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी है, तो फिर वैसे में प्रशासन की क्या व्यवस्था है, क्या इंतजाम है? देखिए,
बीते चुनावों के दृष्टिकोण से इस बार एक परिवर्तन है कि इस बार मतदान का जो समय है वह 7 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक है, जो कि पहले 7 से 3 ही हुआ करता था। तो इस बार पूरे दिन मतदान है, पूरे दिन मतलब 5-5, 10 घंटे, और अगर 5 बजे तक बूथ में लोग पहुंच जाते हैं तो वो वोट देकर ही 6 बजे तक भी जा सकता है, 7 बजे जा सकता है। तो एक पर्याप्त समय रहेगा किसी भी मतदाता के लिए कि वह बूथ पर अपने कन्वीनियंस से पहुंचे और अपने मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस दौरान अगर किसी प्रकार की मौसम में खराबी आती है या मौसम उतना सपोर्टिव नहीं रहता है तो हम देखते हैं कि बिजली कट जाती है। तो जैसे कि पिछले जब तमाड़ और मांडर विधानसभा में चुनाव तो उस दिन भी आंधी पानी आई थी तो 1 घंटे के लिए बिजली चली गई थी। तो हम लोग का ये, और इस बिजली के जाने से मतदान की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है, बिजली अंधेरा कमरा अंधेरा हो जाता है तो लोगों को थोड़ा नज़र नहीं आता है। तो इस वजह से इस बार हम लोग का यह प्रयास रहेगा कि लोड शेडिंग बिल्कुल ही नहीं हो, किसी भी स्थिति में लोड शेडिंग नहीं हो, और बूथों पर बारिश से बचने के लिए शेड्स वगैरह लगा के रखे जाएँ। धूप से बचने के लिए ऑलरेडी शेड्स लगाए ही जाते हैं, और नहीं तो यथासंभव जो कॉरिडोर्स होते हैं वहीं पे लोगों को रखा जाता है। तो यह पूरा प्रयास रहेगा कि जो डिले हो जाया करता है मौसम के ख़राब होने की वजह से उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम करा सकें और उसके इफ़ेक्ट से लोग कम से कम प्रभावित हों, इसका पूरा ध्यान रख सकें। और चुनाव ख़त्म होने के बाद सभी पोलिंग पार्टीज़ को भी पर्याप्त समय दिया जाता है कि वो अपने पैक जितने भी मशीन्स हैं उनको अच्छे से पैक कर लें, अपने सारे सामग्रियों को समेट ले सकें, अपने सेक्टर ऑफिसर के साथ मिल लें और तुरंत ही फिर काउंटिंग सेंटर जो कि यहाँ पंडरा बाज़ार समिति में बनाया गया वहाँ पर भी जल्द से जल्द पहुँचें। तो ये डिले को जितना हम कम करते जाएंगे उतना ही हमारा पूरा प्रोसेस स्मूथ होता जाता है। एक आखिरी सवाल है सर मेरी तरफ से कि वैसे तो हम जर्नलिस्ट को आपके माध्यम से और चुनाव आयोग के माध्यम से जानकारी है, लेकिन लोग आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जो सिंगल महिला है या तमाम महिला कर्मचारियों में ये होड़ लगी रहती है अपना नाम कटवाने की, या उनको कहीं दूर ड्यूटी लग गई ऐसी जगह पर जहाँ जाने आने में सुविधा होगी, उनके लिए आपके क्या संदेश है, क्या व्यवस्था है? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि रांची उस हिसाब से सौभाग्यशाली है कि यहाँ पे पोलिंग पर्सन्स की कमी नहीं है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में बूथों के दृष्टिकोण से ज़्यादा ही पोलिंग पर्सन्स हैं। तो हम लोग का यह प्रयास है, इनफैक्ट हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि किसी भी बूथों पर खासतौर पे जो सुदूर और दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पे किन्हीं भी महिला पोलिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी नहीं लगाई जाए। हम लोग ने 100 बूथ चिन्हित किए हैं जो कि बिल्कुल शहरी क्षेत्रों में हैं, और उन शहरी क्षेत्रों में ही हम लोग महिला पोलिंग पार्टीज़ को लगाएंगे, और ये सारा मैनुअल रैंडमाइजेशन होगा। इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी इन सेंटर्स पे, किसी भी तरह की सुविधा में कमी नहीं रहेगी, सभी के रहने ठहरने, क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि अगर हमारे इस पूरे प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई व्यक्ति हैं तो वो पोलिंग पर्सनल्स ही हैं जिनके ऊपर चुनाव कराने की जिम्मेवारी है। तो उनकी सुविधा का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, उनके कन्वीनियंस का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो बूथों पर उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हम लोग इंश्योर करा के रखते हैं, फिर चाहे वह बेडिंग्स को लेकर हो, बेडशीट्स को लेकर हो, पीने के पानी हो, वहाँ पे साफ़ सफाई हो, वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था हो, तो इन सभी चीज़ों का हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो जिन किसी भी पोलिंग पर्सन की ड्यूटी जहाँ पर भी लग रही है वह पूरी तरीके से सुविधाजनक रहेगी, और हम विश्वास दिलाते हैं हमारे किसी पोलिंग पर्सन्स को इसी प्रकार की कमी नहीं होगी, और अगर उन्हें कहीं भी कोई परेशानी होती है तो पूरा का पूरा जिले का जो इलेक्शन का अमला है वो उनकी मदद के लिए सदैव तैयार रहेगा। सर हम ये चाहेंगे कि एक संदेश जो हमारे पूरे रांची के मतदाताओं पर हो, और एक अपील जो आप हमारे श्रोता जो भी हैं उनको, दर्शक जो हैं उनको बता पाए। मेरा रांची जिले के तमाम सम्मानित गणमान्य नागरिक गणों से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध रहेगा कि मतदान की यह जो शक्ति हम सभी को मिली हुई है वह संविधान के अनुसार मिली हुई है। यह बिल्कुल एक संवैधानिक शक्ति है जो हम सभी नागरिकों के पास है, और हम सभी नागरिकों को अपने इस अधिकार का पूरा उपयोग करना चाहिए। और रांची में मतदान की तिथि 25 मई है, सभी बूथों पर सभी आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित कराई गई हैं। जितने भी पोलिंग पर्सनल्स आते हैं और जितने भी वोटर्स आते हैं उन सभी के लिए भरी पूरी व्यवस्थाएं हैं, और हम सभी लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि मतदान में एक बहुत अपेक्षित वृद्धि हो जो पिछली बार की तुलना में ज़्यादा दिखने में भी आए।
तो आप सभी से यह विनम्र आग्रह रहेगा कि कृपया मतदान वाले दिन कृपया अपने घरों से निकलें, अपने कंसर्न्ड बूथ पर पहुँच के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, न सिर्फ स्वयं करें बल्कि अपने सभी सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्रों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें और एक बड़ी संख्या में मतदान करते हुए अपने बूथ पर पहुँच कर एक बिल्कुल उदाहरण स्वरूप एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत करें जो कि न सिर्फ इस पूरे राज्य में वरन इस पूरे देश में एक मील का पत्थर साबित हो। एक बहुत ही अच्छा मतदान प्रतिशत अगर रांची ज़िले का प्राप्त होता है तो ये तब तक नहीं संभव हो पाएगा जब तक आपकी इसमें पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं होती है। तो एक बार पुनः आप सभी को मैं मतदान वाले दिन अपने अपने बूथों पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए और एक बहुत ही सफल मतदान का उदाहरण हम पूरे देश में प्रस्तुत करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।